जगह के नाम बताने मुश्किल हो जाएगा, इतनी जगह चेंज कर रहे हैं ना। क्या मैकलॉड का किसका फोन आ रहा है? दोबारा बता, मैकलॉडगंज क्या बोलते हैं? वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू चैनल रुखसाना एक्सप्रेस में आप सभी का वेलकम है। आज है हमारा सेकंड ब्लॉग की स्टार्टिंग, मतलब आज के दिन ही दो दो ब्लॉग की स्टार्टिंग। जी हाँ, हम गए थे वाटरफॉल तो उसका ब्लॉग मैंने एंड कर दिया था। यहाँ से मैं अपना सेकंड ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं अपने सेकंड ट्रिप पे, मतलब ऋषिकेश से कर रहे हैं हम आउट। और कहाँ जा रहे हैं पूरा ब्लॉग एंड तक देखना। इसी ब्लॉग में मैं आपको जरूर बताऊंगी कि हम किधर जा रहे हैं। हमने अपने होटल से चेकआउट कर दिया है और सब सामान लेके अब जा रहे हैं, चाय वाय पीते हैं। और हमने अपने टैक्सी वाले भैया को बुलाया है, वो हमें लेके जाएंगे बस अड्डा। ये सुबह वाले भैया जिनसे हम नाश्ता करके गए थे, चाय और मैगी, अभी मोमोज लगा लिए उन्होंने शाम को, अब कह रहे हैं थोड़ी देर बाद हम चाय भी बेचेंगे। नहीं कोई भी नहीं आ रहा। ये क्या ले, यहाँ पे हो रही है बलून्स की शॉपिंग। अरे ब्लैक नहीं चाहिए, हाँ रेड एंड वाइट। किसके लिए ले रहा है राम? जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। जैसा कि मैंने आपको ना बताया ही नहीं कि हम इस ट्रिप पे क्यों आए थे। हम आए थे, हमारी फ्रेंड रत्ना का बर्थडे है तो उसी के लिए थोड़ा बहुत ले रहे हैं जो कि हम नहीं लेके आ पाए थे। तो जी हाँ, उसका बर्थडे है, उसका बर्थडे आज है 13 तारीख और परसों उसका बर्थडे, इसलिए हम यहाँ से ले रहे हैं। फाइनली मिल गया, हम ढूंढ रहे थे काफ़ी टाइम से। और ये ट्रिप इसीलिए प्लान हुआ था क्योंकि उसका बर्थडे था। पॉपर्स ले लिए, ये एक मैं फोड़ूंगी। अरे बदतमीज, और देख ले कुछ देखना है तो उसके लिए। राम राम, मन में लड्डू फूटा। अभी शक्ल तो दिखाते नहीं, ये देखिए इनका गिफ्ट पैक करने का तरीका देखो। ये गिफ्ट पैक करके नहीं लेके आए थे, नहीं ना इसको ढंग से रखना पड़ेगा भाई। कोई सा बैग तो लाओ, कोई इसको मैं रख दूंगी, इसको मैं सूटकेस में रख दूंगा, कुछ इतना नहीं है। जा वो तू लाइए, हाँ हाँ इसके में आ जाएगा। पन्नी देख लेंगी ना वो, अरे पन्नी देख लेगी तो कोई नहीं ना। तो ये इस बताई मयंक पे कोई नजर नहीं रखता, मयंक बैग लेके आइयो, ये दो भर के लेके चला जाइए ठीक है। बाकी ये सिमरन के बैग में आ जाएगा। और कुछ देख, हमने सामान छुपाने के लिए बैग भी लगवा लिया। अरे यार थोड़ी देर पहले आते, मेरे टेस्ट दिखाई आपको खिलाती, सामान ले लिया उसका। कैसे लिया ना, फाइनली हम देहरादून जाने के लिए बस में बैठ चुके हैं। हमें चेंज करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला था या तो हम चेंज करके बैठेंगे या तो हम डायरेक्ट जाएंगे। डायरेक्ट कोई बस ही नहीं है तो हम चेंज करके बैठे हैं। और ये हमारे पीछे तीन साथी बैठे हैं और हम तो आगे, हमारे तो आगे। क्या तुमने पता किया था? यूट्यूब वाला बता दिया था, देहरादून पहुंच चुके हैं, पूरी बस हो चुकी है खाली, सारे बैग देख लियो। अच्छा शक्ल तो ऐसे, चलो बैग कुछ भी नहीं है ना, चलो 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 ना। अब हम देहरादून आ चुके हैं, अब हम इधर भी करेंगे बस चेंज, देखते हैं कब की बस मिलती है। ये बस अड्डा तो बड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं? हाय हाई फाई लग रहा है। इसलिए हमें ये वाली बस मिल चुकी है, वहाँ से हमने करवा लिया टिकट बुक, वहाँ पे वो ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर रहे हैं। और ये रहा पूरा हमारा प्लेटफॉर्म। चलिए लगेज रखते हैं, अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और 10 बजे निकलेगी हमारी बस। सिमरन प्रीति, आधा घंटा यार बस में नहीं बैठा जाएगा, मैं तो बाहर बैठूंगी। और ये है हमारी बस की पे, हाँ अगर वो खाली होगी तो मैं बाद में बैठ जाऊंगी, अगर नहीं खाली जाएगी तो मैं खिड़की बैठूंगी। मैं एक बार खिड़की पे नहीं बैठी ना आते वक्त ना जाते वक्त। अब मैं बैठूंगा, अब तुम पहले लड़ो दोनों। एक नहीं, मैं नहीं, मैं आज की गोद में बैठ जाऊंगी, दोनों को खिड़की मिल जाएगी। उसकी गोद तो टूट जाएगी, इतना वो इतना स्ट्रांग है भी नहीं आशीष। बहुत स्ट्रांग है वो, चल बिठा 5-6 घंटे तो 5000 दूंगा। तो चलिए हमने फटाफट अपना लगेज रख दिया है, अब यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं किधर, चंडीगढ़। चंडीगढ़ से फिर चेंज करेंगे, हम पूरे दिन सफर पे सफर करने वाले हैं। हम फाइनली आधे घंटे के इंतजार के बाद बस चल गई है। बहुत ठंडी ठंडी थोड़ी थोड़ी हवा आनी शुरू हो गई है एंड हम अब चंडीगढ़ मिलेंगे। अब पता नहीं सो जाएंगे हम क्योंकि बज गए हैं 11, हम सो जाएंगे, उसके बाद सीधा हम मिलेंगे आपको चंडीगढ़। चंडीगढ़ मिलने के बाद हम वहाँ से दोबारा बस चेंज करेंगे तो हम वहाँ भी मिलेंगे, हम पूरे दिन बस ही चेंज करते रहेंगे। तो चलिए, और सब पीछे बैठे हुए हैं और वहाँ पे बैठे हैं मयंक और सिमरन। चलो अब सो जाते हैं, बाय बाय।
पोंटा चंडीगढ़, ये ले भाई पोंटा। अभी रुके हैं कहाँ पे? चंडीगढ़ पे तो नहीं पहुँचे अभी, कहीं नहीं पहुँचे, बीच रास्ते पहुँचे बस हमारी बॉडी। कैसे कमजोर से लग रही हो, क्या हो गया? या नहीं, बहुत घुमा रही है। मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। राम रत्ना प्रीति बैठे हुए थे, तो मैं राम रत्ना के बीच में बैठने जा रही थी। पता क्या हुआ, मैं इन दोनों के ऊपर लेट गई और बस बिल्कुल घूमी, वापस फिसलती भी नीचे आके गिर गई। मुझे इतनी हंसी, राम जी खुद ही लेटी के ऊपर और ऐसे में पूरी नीचे लट गई। और उसके बाद इनके हरकत के बाद मुझे आगे चक्कर और मुझे आ रहा है वॉमिट। अभी समझ में नहीं आ रहा, इसके ऊपर ही करूंगी मैं, रत्ना के ऊपर ही करूंगी। पेटीज की पार्टी हो रही है, ये देखो इनको भी अच्छा फील नहीं हो रहा, कह रहा है खाओ पियो बाद में उल्टी करेंगे। सही है, फिर मैं भी खा लूँ क्या थोड़ा सा, यहाँ मेरे को लालच आ रहा है। चलो चंडीगढ़ आके उठ गई सो के अभी लगी थी मस्त नींद यार, बहुत अच्छी नींद लगी थी यार, बहुत अच्छी। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़, अब जा रहे हैं हम बस लेने की, हिमाचल की बस। और अभी हमें बस वाले भैया ने ही बोला कि जो सामने हमारे लगी हुई हिमाचल की बस, तो फटाफट जाके वो ग्रैब करते हैं, बैठते हैं और नींद लेते हैं। यार अभी जस्ट मुझे लगी थी ऐसे बिल्कुल क्विक वाली नींद लगी थी, और इतनी अच्छी नींद लगी थी कि हम चंडीगढ़ पहुँच गए। आशीष हिमाचल पथ परिवहन निगम, फाइनली अब हम अपनी कहाँ वाली, हम मैक्लोडगंज जा रहे हैं धर्मशाला। भाई एक नाम बताओ किधर जा रहे हैं? धर्मशाला। धर्मशाला, तो फाइनली हम धर्मशाला की बस में बैठ चुके हैं और इधर हम सब अलग हो गए हैं। मैं ये एक साथ बैठे हैं और वो पीछे बैठे हैं और वो भी। तो चलिए अब इस वाली बस में भी दो चार झपकियाँ और दो चार लटके झटके हैं। लटके झटके देगी बस ये वाली? हाँ, तो बहुत अच्छा देगी। दो चार लटके झटके ले लेते हैं, शरीर तोड़वा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे आपसे। कहाँ पहुँचे माशी जी, मैं नाम भी भूल जा रही, पता है किधर? तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं धर्मशाला। 9-10 किलोमीटर, 90 नौ, तो 9-10 किलोमीटर का फिर से ट्रैवल करना है, उसके लिए देख रहे हैं। चलो आ गई उसकी बस भी, जिंदगी में कभी इतनी बस नहीं बदली थी जितनी इसने बस बदलवा दी। इसने बदलवाई है बस, कितनी बसें, कितनी बसें जिंदगी में कभी नहीं बदली थी इतनी बस। हड्डे लग चक्कर था यहाँ का उठ के यहाँ पे आ गया। बेशरम होटल में खाना नहीं खा पाते, कभी कभी बढ़ा लेता हूँ। कितनी पूरी सवारी फुल कर दी भैया ने तो है भैया। चलो अभी हमारे होटल वाले ने हमें लोकेशन भेजी है, तो उसके लोकेशन के हिसाब से अगर दूर होगा तो टैक्सी जाएंगे, मतलब भाई जो लोकल होता है उससे जाएंगे, और पास होगा तो पैदल ही जाएंगे। अच्छा लग रहा है मौसम, ठंड लग रही है भाई? ठंड लग रही है? नहीं ज़्यादा नहीं, गर्मी लग रही है। मुझे भी नहीं लग रही, रत्ना का, रत्ना को तो बहुत ठंड लग रही होगी। किसको लग रही है? रत्ना को तो बहुत ठंड लग रही होगी। बहुत ठंड लग रही है, देखो सही है। देखो व्यू कितना अच्छा है, वाह 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 यार। ये वाला मुझे ना ऐसे वाला गार्डन चाहिए जिसमें इतने लंबे लंबे पेड़ लगे हों, और मुझे वहाँ वीडियो शूट कराना है यार, बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। अभी हम यहाँ रुके हैं मैक्लोडगंज, वो रहे सारे बच्चे हमारे, मेरी चप्पल भी निकल गए। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, वाह व्यू देखो पीछे का यार, सीरियसली मेरे को, मैं देखना मेरी हालत बहुत बुरी हो रखी है। कितना अच्छा व्यू आ रहा है यार, सीरियसली कितनी बार भी आओ हिमाचल, मतलब दिल नहीं भरता, मन नहीं भरता, कुछ भी नहीं भरता, और हमारी हालत हो चुकी है ख़राब। अभी जाते हैं, बताती हूँ आ रही हूँ।
अभी कैब करी है हम सब ने, कैब में जा रहे हैं। हम अभी जा रहे हैं पैदल, प्रीति, राम और रत्ना उधर जाना है, जा रहे पैदल। और ये शायद मैकलोडगंज का है माल रोड, पूरा मॉल रोड है ये। चलो 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 चलो। और वो तीनों आ रहे हैं टैक्सी से, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब थी हमारी सिमरन डार्लिंग की, तो इसीलिए उन्होंने टैक्सी कर दी। वो तीनों टैक्सी से आए, सारा सामान हमने टैक्सी में रखवा दिया और हम पैदल ही जा रहे हैं। अपने काफ्स को मजबूत कर रहे हैं ट्रैकिंग करने के लिए, कि ताकि हमें ट्रैकिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। टहल की तरफ जाते हुए हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, और आप भी शॉपिंग करते हुए ना मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, सुनाऊंगी। वो मतलब मैं बहुत पहाड़ वाले इलाके में गई हूँ, शिमला मनाली, बट मैंने कहीं भी ना ये साउंड नहीं सुना था। और लिटरली आप भी ये साउंड सुनिएगा, इतना रिलैक्सिंग था। यही जो ये जो आंटी है ना, ये जो बाउल जैसा है, ये मुझे नहीं पता क्या बोलते, बट आप साउंड सुनो। सुनी आवाज कितनी सीरियसली, कितनी अच्छी और कितनी मतलब रिलैक्सिंग साउंड था। आपको ये साउंड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और किस किस ने पहले भी ये साउंड सुनी हुई है या बजाई हुई है प्लीज़ ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या मैकलोडगंज के हैंडपंप यूज कर रहे हैं? मीठा योगा पी सकते हैं मैकलोडगंज का, गांव के पंप बहुत यूज करे, मैकलोडगंज का पंप यूज करके देखते हैं। इतने सुंदर व्यू के साथ यार अलग मजा है। होटल जाने के रास्ते में ये हैंडपंप मिला था, जो कि बिल्कुल खूबसूरत पहाड़ों के सामने लगा हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था। हम सब ने इससे मुंह धोया और इस पानी को पिया, इतना मीठा ऐसा लग रहा था, सब कोई बोल रहा था, मतलब राम रत्ना प्रीति इसमें चीनी घोल रखी, इतना मीठा पानी था। आशीष सिमरन और मयंक ने इस पानी का थोड़ा सा मज़ा खो दिया, अगर वो आते तो वो भी लेते, बाकी बहुत ही मीठा पानी था। हमने मुंह वूह धोया, फ्रेश हुए और फिर दोबारा अपने होटल की तरफ चलने लग गए। इतने स्लांट रास्ते पर हम चलते हुए आ रहे हैं, मैं कोई खाती हूँ, बिल्कुल स्लांट है। अगर आपको वीडियो में देखने में लग रहा है सीधा रास्ता है, तो वो देखो वो बिल्कुल ऐसे ढलान है वो रास्ता, हम पूरा से बिल्कुल ऐसे वाली। और अभी वाला भी अगर आपको मैं रास्ता दिखाऊं जहाँ हमें जाना है, वो देखो पूरा रास्ता, अगर आपको पता नहीं वीडियो में समझ में आ रही ना, बिल्कुल सीधी है ऐसे, यूँ चढ़ना है, मैं यूँ, बहुत हालत ख़राब हो रही है। पता नहीं हम ट्रैकिंग कैसे करेंगे, इतनी हालत ख़राब हो रही है। अभी ऐसे ऐसे रास्ते से यूँ है बिल्कुल रास्ता, और यहाँ पर प्रीति ले रही है आई ड्रॉप, उसकी आँखों में इन्फेक्शन हो रहा है। चलो कंटिन्यू करते हैं। वो रहे आशीष और मैं खड़े ऊपर गंदे, पता है कितना चल के आए हम, बहुत बहुत मजा आया, हमने शॉपिंग भी करी। ये होटल क्या नाम है, जिप्सी किंग। तो ये बाहर से है होटल जो ले लिया, और ये बहुत गंदे रास्ते से आए हम यार, धक 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 धक। और ऊपर भी देखो कैसा रास्ता है, पूरा स्लांट। चलो ऊपर आ रही हूँ मैं, और आपको मैं बहुत अभी गुस्सा करूंगी। हम चल रहे हैं होटल पे अपने, जो कि हमारे जनाब साहब ने देख लिया है, फाइनलाइज कर लिया है, अलग एक्सपीरियंस ये है। तो चलो मैं आपको पूरा होटल का व्यू दे देती हूँ बैक कैमरे से। तो ये है मेरे बाहर से होटल का कुछ व्यू, इस तरीके का दिखता है। वो देख रहे हो कितना स्लांट रास्ता है यार, सीरियसली हम ऐसे ही नीचे से आए हैं, और यहाँ से मैं नीचे सीढ़ियाँ हैं, इधर से ऊपर होते हैं। तो ये देखो कितना प्यारा, ये एरिया आशीष सबसे प्यारा लग रहा है मुझे, वो देखो आशीष है। और ये वाला देखो सिटिंग एरिया है, यहाँ पे चेयर्स एंड टेबल्स है, वो छत का है शायद रास्ता। और ये पूरी बालकनी है यार, अगर 3-4 दिन स्टे करना हो ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ पूरा ये बालकनी एरिया, और ये देखो ये है हमारा फर्स्ट रूम, जिसमें वो रहा वॉशरूम, बेड एंड सोफ़ा एंड हमारा लगेज रखा हुआ है। फाइनली इसके अंदर मिरर भी है, या मिरर है। और चलो ये आशीष, कितनी बार दिखाओगे अपने आप को, इतने सुंदर नहीं लग रहे आप। और दिस वन इज सेकेंड रूम, सेकेंड रूम में एंटर करते हैं, तीन बंदर बैठे हुए तीन ही बैठे हुए हमसे। और सोफ़ा अगेन, बेड, वॉशरूम एंड अगेन मिरर। शुक्र है यार इसमें मिरर है, मज़ा आएगा रेडी होने में। हाँ लाइट तो मैंने देखी नहीं, ये बंजारा मार्केट में भी देखी थी मैंने लाइट्स वाली। चलो ये मेरा, बस हटो यार साइड दे दो, बस ये है मेरा छोटा सा रूम टूर, होटल टूर भी बोल सकते हो आप। ये वाला और ये वाला अपन का रूम है, वो वाला खाली है।
और बाहर से कुछ इस तरीके का व्यू दिखता है। देखो पूरा रास्ता, हम उसी रास्ते से आए हैं एंड वो देखो पहाड़ एंड ये पूरा व्यू। थोड़ा सा रूम टूर, अब फटाफट फ्रेश होते हैं, रेडी होते हैं और आगे की, जैसे कि मैं आपको बताया नहीं था या बता भी दिया था आई डोंट नो, कि हम करने जा रहे हैं ट्रैकिंग। और ट्रैकिंग के लिए हम कहाँ जा रहे हैं? त्रियुंड। जी हाँ, त्रियुंड बोलते हैं, त्रिकुंड बोलते हैं, आई डोंट नो, बट हाँ मुझे TRIUND पता है, त्रियुंड। हम जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। चलिए फटाफट रेडी होते हैं, फिर ट्रैकिंग करना स्टार्ट करते हैं, जो भी प्रोसीजर होगा देखेंगे। तो फाइनली हमारा ये लगेज पैक हो गया सबका, यहाँ पे प्रीति भी रेडी होके आ चुकी है एंड मैं भी रेडी हो गया। अच्छा लग रहा है मेकअप यार, इतना ट्रेजेडी होता है। मैंने मेकअप शूट किया, मैंने आई मेकअप किया थोड़ा सा, मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया था और मैंने कर लिया, इतनी गंदी गंदी ट्रेजेडी होती है। बीमारी हमारे 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 हमारी बच्ची बीमार पड़ गई, चल रही है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, ब्रेकफास्ट बोलेंगे, लंच बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, आलू के पराठे और चाय ला रहा है आशीष, रेडी है सब कुछ, उसने बैठ गए हैं। ये देखो भुक्कर किसी ने स्टार्ट नहीं किया, दोनों के दोनों लग गए हैं। और ये हमारी ट्रैकिंग पे नहीं जा रही, इसकी तबीयत खराब है और ये भी नहीं जा रहा। ये देखो सिनेमैटिक बन रहा है, चलो फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं। प्रीति बाय बाय, तबीयत खराब है दोनों किसलिए नहीं जा रहे और हम यहाँ पे रेडी है। तो हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है यार, बहुत स्लांट रास्ता, ये देखो बहुत स्लांट, इधर जाना है सीढ़ियों से, OMG। तो चलिए, नहीं क्यों नहीं खत्म होगी, चलो अब धीरे धीरे जो भी हमारे अड़चने आती रहेंगी हम आपको दिखाते रहेंगे हमारी अड़चनों।